बॉर्न इन जयपुर, 43-42 रुपीज़ मम्मी के चुरा के मैं बॉम्बे भागा। तो थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ, हाँ बुलाओ मीना को, बुलाओ यूसुफ को बुलाओ। तो मैं बड़ा हैरान, यार ये कौन आदमी है जिसने इनको बोला, मीना को बुलाओ, यूसुफ को बुलाओ। बस मैं वहां से चुपचाप बाहर आ गया और एक ही बात सोची कि एक्टर वो नहीं बनूंगा, उस कुर्सी पे बैठो। डायरेक्टर क्या बात है। बनूंगा। फेवरेट एक्टर? पृथ्वीराज जी। लस्ट? हवस? मैरिड विदाउट हस्बैंड? साजन बिना सुहागन। मुझे एक अच्छा आदमी मिला, वो उसने मेरे से एक दिन बात किया कि चाहते क्या हो, तुम हो कौन, तुम आए कहाँ से हो। मैंने कहा देखो सर ये मेरा ड्रीम है, सारी कहानी सुनाई उसने। तो बोले कितने बन जाएगी पिक्चर? मैंने कहा 1.25 लाख रुपए। संजीव कुमार हरी भाई जेरी वाला, वो उसमें काम कर रहा था। तो मैंने कहा ये कमाल का एक्टर है, रियली इम्प्रेस्ड हुई मैंने, तुम काम करोगे मेरी फिल्म में। तो उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, उसको बीड़ी पीने की बहुत आदत है, यहाँ बीड़ी लगा के करूंगा। नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ में हूं आरजे अनमोल, एंड यस, बातें कहीं अनकहीं पर एक बार फिर से मेरे साथ में प्रोड्यूसर डायरेक्टर सावन कुमार। सर वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। सर पिछली बार जब हमारी बातचीत हुई थी तो हम नौनिहाल तक पहुंच गए थे, वो 3-4 साल का भयंकर स्ट्रगल रहा। उसके बाद आपने शुरुआत ही, हमने कहा फिल्म बनाएंगे, 1.25 लाख का बजट है और फिल्म बनाएंगे। नौनिहाल की आपने स्क्रिप्ट लिखी, वो ट्रेन में जब आपने पहली बार सुना था कि पंडित जी का देहांत हुआ, जब ये फिल्म आपने बनानी शुरू करी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब पंडित जी की जो आखिरी यात्रा थी उसकी ओरिजिनल फुटेज को आपने अपनी फिल्म में यूज किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जी ओरिजिनल था। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई सर? नहीं वो तो फिल्म्स डिवीजन से लिया था ना। जयपुर का लड़का आ गया है यहाँ पे बम्बई नगरिया में और फिल्म बना रहे हैं अपनी पहली पहली, क्या क्या दिक्कतें आई, टेल मी अबाउट। बहुत दिक्कतें थी, फिल्म रेडी हो गई थी तो जब मैं वो फुटेज लेने के लिए फिल्म्स डिवीजन में गया तो बोले नहीं दे सकते हम, अच्छा, नेशनल लीडर को कोई यूज़ नहीं कर सकता फिल्म में विदाउट परमिशन। तो मैंने कहा भाई किससे परमिशन लेनी होगी? बोले ओनली मिसेज गांधी कैन गिव द परमिशन। प्राइम मिनिस्टर बनी थी वो 3-4 महीने पहले। तो मैं यू कैन इमेजिन ना, बिकॉज हाउ विल आई रीच टू मिसेस गांधी एंड गेट द परमिशन। तो वो मेरी फिल्म में एक एक्टर थे हृदयनाथ चट्टोपाध्याय, अच्छा, हाँ, तो यस, वो पॉलिटिकली कनेक्टेड थे बहुत लोगों से। वो बहुत अच्छे राइटर भी थे, अरे कई सर क्या एक्टर बात थे, है, या बहुत ब्रिलियंट एक्टर थे। जी मैंने उनसे कहा दादा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो कोई नहीं चलो इंदू को फोन करते हैं। हाँ, आई कांट बिलीव। इंदु को फोन करते, क्या बात है, क्या बात है, ठीक तो पहले घरों में तो होता नहीं, तो नीचे गए एक बनिए की दुकान थी उसको एसटीडी खुलवाया है। और वहाँ फोन किया। तो फोन किया तो किसी ने उठाया तो कहने लगा मैं हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय बोल रहा हूँ, इंदु को बोलो मुझसे बात करे। तो सीधी सीधी दौड़ी उषा भगत आ गई, उनकी सेक्रेटरी थी। ठीक है, तो उन्होंने कहा दादा नमस्कार ये वो सब। अरे भाई इंदु कहाँ है? बोले वो बाथरूम में नहा रहे हैं शायद। तो अच्छा ऐसा है मैं कल आ रहा हूँ 4 बजे, मेरा टाइम रख दो। बोले आ जाइए दादा आपको क्या प्रॉब्लम। क्या बात फिर हम चले गए दोनों दिल्ली। मैंने ले जाके उनको बोला ये लड़का है इसने एक फिल्म बनाई है और मिसेज गांधी ने इज्जत दी हमको, बिठाया चाय वाय नाश्ता सब आ गया। इसके बाद वो बोले वो गाना सुनाओ। तो हाँ जब मैं उनको कहानी सुना रहा था ना तो बोले कि बहुत डिस्टेंस था थोड़ा, वो सोफे बैठे थे हम लोग इधर बैठे, बोले आप मेरे पास बैठो इधर। और फिर मैंने उनको अपने फोटोज दिखाए, ये पिक्चर ऐसे ऐसे बनाई ये सिर्फ दिस इज अगेंस्ट द प्रोटोकॉल, प्राइम मिनिस्टर के साथ सेम चेयर यू कैन नॉट शेयर, यस, बट शी ब्रोकन ब्रोकन दैट प्रोटोकॉल। वाह, मैं वहाँ बैठा, मैं उनको दिखा रहा था सारे क्या क्या बनाया क्या नहीं किया। तो उसके बाद फुल्ली इम्प्रेसिव गाना बजाया तो मुखड़ा सुन के दिस यू गेट वाज इमोशनल, ऑफ हिज डॉटर कोर्स, ऑफ यस कोर्स। यस, तो वो उठ के चली गई। तो मैंने सोचा ये तो गड़बड़ हो गया लगता है, गए परमिशन दादा ने सारी, बोला नहीं नहीं कुछ नहीं तो बैठ इधर कुछ नहीं होगा। अच्छा, इतने में उषा भगत आई वहाँ से, बोले दादा आप मत आइए, सावन जी को कल 4 बजे भेज दीजिए INB मिनिस्ट्री में, लेटर मिल जाएगा यूज करने। हाँ तो किस्मत भी ना कई बार ऐसे टाइम पे आपका हाथ पकड़ लेती है कि कमाल है, नहीं? फिर ठीक मैं गया दूसरे दिन वहाँ से परमिशन ले लिया, है, अब सेंसर बोर्ड को दे दिया, पास हो गया पिक्चर। वाह, पास तो हो गई पिक्चर लेकिन बिक नहीं रही थी वो, बिकॉज संजीव कुमार नए थे और फिर वो पंडित जी की डेथ हो गई थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसमें थी और नया प्रोड्यूसर। खैर वो बिकी नहीं सर। तो मेरे एक दोस्त था उसने नया ऑफिस खोला, बोले हम रिलीज करेंगे डोंट वरी। मैंने करो कैसे पिक्चर तो रिलीज होनी चाहिए ना। फिर इम्पीरियल थिएटर था मेन उसका, मन लगाए लेकिन वो चली नहीं फिल्म, ओके, शॉकिंग।
इतनी इट वाज नॉट अ बैड फिल्म एंड देन आई प्लान्ड द नेक्स्ट पिक्चर विद मीना जी गोमती के किनारे गोमती के किनारे वाओ नाउ टेल मी समथिंग वही मीना कुमारी जिनके बारे में हमने पिछले एपिसोड में बात की थी आप पहली बार शूटिंग देखी और डायरेक्टर साहब बुला रहे हैं मीना को बुलाओ अब आप फिल्म बना रहे हैं विद मीना जी आपकी मुलाकात कब कहां कैसे हुई मीना जी मैं देखा ही था उनको बताया ना आपकी शूटिंग जी जी इसके बाद मैं उनके घर गया ठीक है मैं रहता था निभाना में पाले हिल और वो सामने एक बिल्डिंग थी वो दोनों के फ्लैट जो है ना 11th फ्लोर पर थे तो वी कैन सी इफ यू नो मी यू कैन सी मी दैट आई एम देयर इन द विंडो ओके 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 तो मैं गया उनके घर पे तो मुझे मालूम पड़ा वो 11th फ्लोर पर रहती हैं तो मैंने कहा मैं देखा मीना जी मेरा पीछे घर है मैं भी 11th फ्लोर पर ही रहता हूँ बोले अच्छा ओ तो बट शी वेलकम मी और मेरी बात पूरी पेशेंटली सुना अच्छा तो सुन के कहानी चुप हो गए मेरा दिल धड़क रहा था करेंगी कि नहीं करेंगी करें इतनी बड़ी स्टार तो मैंने कहा अगर आपको कहानी पसंद ना आई हो तो मैं दूसरी कहानी सुनाता हूँ आपको यार मैं तो रेडी रहता था हर बात पे तो बोले नहीं नहीं कहानी बहुत अच्छी है मैं सोच रहा हूँ कि इसमें किस किस को लिया जाए तो उन्होंने पहले सबसे पहले मुमताज को फोन किया कि मम्मू आई एम डूइंग दिस पिक्चर एंड यू डू दिस पिक्चर माय गॉड बोले आपने कह दिया बात खत्म हो गई तो सारे स्टार कास्ट पूरा सेट कर दिया उन्होंने एक ही मिस्टेक बैड लक हो गया वो कि वो हमारे एक दोस्त है समीर फिरोज खान के ब्रदर अच्छा मेरे ही दोस्त थे तो वो मैंने कहा समीर को ले लेते हैं तो वो समीर जो है वो नया आ गया बीच में सो थिंग्स डिडंट वर्क हालांकि और फिर वो पिक्चर 3/4 बनते बनते मीना जी बहुत बीमार हो गई थी तो उसके बाद समाओ अदर शी फिनिश द फिल्म अच्छा कहते हम खत्म कर लो फिल्म को नहीं रह जाएगी और मैं अपने दामन पे दाग नहीं लगाना चाहते कि मैंने फिल्म की नहीं और दुनिया से चली गई मैंने लास्ट के 2-3 शॉट लिए थे ना तो बोले सॉन तू मुझे पीछे से पकड़ लेना अगर मैं डगमगाऊँ या गिरने लगूँ तो क्लोज लगा के मैं पीछे से ऐसे ही हाथ करके खड़ा होता था क्या बात कर रहे लेकिन थैंक गॉड शी वाज वेरी जिगर वाली औरत थी क्या बात तो उन्होंने कैसे वो शॉट दिए बहुत बीमार थे वो लोग ऐसे कहते हैं कि पाकीज़ा मीना कुमारी जी की आखिरी फिल्म लेकिन इफ यू गो टू द आखिरी शेड्यूल ये एक्चुअली में वो पाकीज़ा मेरे पहले रिलीज हो गई पाकीज़ा इतनी बड़ी हिट हुई थी कि मेरी फिल्म का तो पता ही नहीं चला किधर गई एक आदमी किसी चीज को जब एक्सपीरियंस के बाद उसमें कूदता है तो एक बात अलग आती है आपने फिल्म बनाने का भी यूं डिसीजन लिया कूद गए डायरेक्शन भी यूं कूद गए ये डिसीजन कि मैं डायरेक्ट करूंगा ये कैसे आया ये बताइए सर वो तो मीना जी ने मुझे कहा कि यू डायरेक्ट द वे यू नरेटेड मी द स्क्रिप्ट यू डायरेक्ट द फिल्म और मैंने कहा मैं हूं तुम्हारे साथ डोंट वरी तो मेरे को बड़ा एनकरेजमेंट मिला इतना मौका मिल गया मुझे बट Like direction is एक आर्ट है आप और बिना एक्सपीरियंस के आप कूद जाएं क्या है कोई दिक्कत नहीं है आपको टेक्निकल जो काम है जैसे आपके सामने सब टेक्नीशियंस बैठे वो अपना काम कर रहे हैं ना right. आपको सिर्फ इमेजिन करना है वो दे आर कैप्चरिंग योर इमेजिनेशन तो अगर आप इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते कंसीव ही नहीं कर सकते कहानी का तो कैमरा क्या करेगा राइट वाह क्या बात लेकिन इसके बाद सर जो आपकी अगली फिल्म आई वो था वो सिक्सर जिसका था इंतजार कि बैट्समैन जाओ खेलेगा ये खेलेगा और देयर इट गोज जो कि थी हवस जी टेल अस अबाउट दैट वो कैसे वो सर ऐसा हुआ कि मैं ये मीना जी की डेथ हो गई थी तो बहुत डिप्रेस था मैं ओके बहुत मैं उनकी इज्जत करता था जी मैं जब भी जाता था 300 रुपए के गुलाब के फूल लेके जाता था और वो फूलों को डेकोर करती थी अच्छा और फिर पत्ते बिछा देती थी बिस्तर पे ओ और लेट के उस रात को उन पे सो जाती थी दिस इज व्हाट आई नो ओके जब उनकी डेथ हो गई ना तो सब लोग चले गए कब्र में रख के बाई कलाम और सब मिट्टी डालते हैं मुसलमानों जी ऐसा करके वो चले गए सब मैं अकेला बैठा था दूर जब सब चले गए तो कब्रिस्तान का आदमी मेरे पास आया और कहने लगा कि आपको मिट्टी डालनी तो डाल दीजिए भाई हम बंद करेंगे कब्रिस्तान ओके मैं गया मैं रोया नहीं पूरा 4-5 घंटे जब तक ले नहीं गए थे मुझे एक आंसू नहीं आया मेरे दिमाग ठीक है तो जब वहाँ मिट्टी जैसे गिर रही थी ना ऐसे सैलाब आंखों से ओए होए गिर रहा था मेरा और वहां से जाते जाते मैंने रास्ते में एक शेर लिखा चांदनी मर गई रोशनी मर गई
सारी शम्में बुझाकर चले आए लोग, चादरे गुल से छिलता था जिसका बदन, चादरे गुल से छिलता था जिसका बदन, उसको मिट्टी उड़ा के चले आए लोग। हाय 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 हाय। सो दिस इज व्हाट आई फेल्ट अबाउट दैट। मीना जी खुद लिखती थी, बहुत अच्छे शायर थे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यू थिंक कहीं ना कहीं उन्होंने ही सिखाया मुझे शायर, उन्होंने ही बना। वाह क्या बात है। कुछ एक और जो आपके जहन में आ रहा हो, जो कभी आपने लिखा हो या मीना जी का कुछ लिखा हुआ है? जो मीना जी का लिखा हुआ आपको दो लाइन सुनाता हूँ। इरशाद, क्या बात है। मीना कुमारी जी का लिखा हुआ, क्या बात है, हो जाए। चांद तन्हा है आसमां तन्हा, चांद तन्हा है आसमां तन्हा, दिल मिले कहाँ कहाँ तन्हा, राहबर कोई अगर मिला भी कहीं, राहबर कोई अगर मिला भी कहीं, दोनों चलते रहे तन्हा तन्हा। आपके लिखे हुए गाने सर इतने हिट हैं, आपने वो तो मजरू साहब को आपने किससे बताया था, वो तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। सर व्हाट वाज द फीलिंग जब दो फिल्मों के बाद ये तीसरी फिल्म हवस आई, हवस फिल्म हिट, गाने हिट, सावन कुमार हिट, व्हाट वाज दैट फीलिंग? कौन सा साल, कौन सा था वो? दिसो से एप्रोक्सीमेटली 74 था, 74। लेकिन मैंने वो तेरी गली में ना रखे कदम उसकी कहानी जरा सी एक सेकंड की, हाँ, मजरू साहब को लेने गया। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं लिखूंगा, मैं इतने पैसे लूंगा। गुस्से में उतरा वहां, उतरा मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा था बहुत। क्या मजरू साहब ने कोई कदर ही नहीं किया एक गाने के पैसे, तो मैंने इनके तो गली में भी कदम नहीं रखूंगा। ठीक है, तो जब तक उषा जी के यहाँ पहुंचा मुखड़ा दे दिया बना के। और ये मेरी जिंदगी का पहला गाना फिल्म के लिए, शायरी में करता था वो अलग है, तो आज तक ही हिट है। अच्छा एक मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है सर, आपका कुछ तो देखिए चाम रहा होगा, ये हो नहीं सकता कि इट इज ऑल अबाउट प्रोफेशनलिज्म, कि मीना जी आपसे एक मीटिंग करती है, फिल्म कर देती है और बाकी कास्ट भी अरेंज कर देती है, एंड रेखा जी हू सो डिफिकल्ट टू अप्रोच ऑल्सो, काम तो करना बहुत बात की बात है, हवस के अंदर आप उनको कन्विंस करते हैं फॉर अ स्पेशल अपीयरेंस। वाज दैट द फर्स्ट टाइम यू मेट रेखा जी? कैसे कन्विंस किया आपने रेखा जी को? सर मैं पिछले 6 साल से कोशिश कर रहा हूँ उनसे एक इंटरव्यू हो जाए, नहीं हो पा रहा। सच बताओ? सच बताइए, बिल्कुल सच्चाई बताता मत किसी को। अच्छा ठीक है, हमारे हमारे बीच की बात है। हाँ। अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, जिसने डाली बुरी नजर डाली। ओए होए, तो माशाल्लाह पता नहीं लोग मेरे को बहुत तारीफ करते थे कि वेरी गुड लुकिंग बॉय, राइट, तो तुम हीरो क्यों नहीं बनते? मैंने हीरो नहीं, मैं हीरो बनाने वाला हूँ, किंग मेकर। क्या आपने पिछले एपिसोड में भी कही थी कि कुछ मासूमियत थी शायद मेरी? हाँ ये था, मेरे को किसी ने मना नहीं किया, किसी भी एक्टर ने मना नहीं किया जिसके पास भी मैं गया। हाँ साउंड जी करेंगे, परवाह ही नहीं करते थे कि स्क्रिप्ट क्या है या क्या नहीं है, क्या नहीं, पता नहीं क्या कॉन्फिडेंस था लोगों को। राइट, क्या बात। सर मैं जहन में एक बात आ रही है कि इंडस्ट्री के अंदर एक बात है जो सेट है, और वो ये है कि जब एक इंसान हिट हो जाता है ना सर, उसके बाद लोगों की नजर बदल जाती है। जिस तरीके से लोग आपको पहले देखते थे, अब वो नजर में प्यार, मोहब्बत, दोस्ती सब, अब हवस हिट हो गई है, सावन कुमार हिट हो गए। व्हाट वाज द जर्नी आफ्टर दैट? मैं तो डर गया था। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सर, आज की और उस वक्त की बातें बहुत अलग थे सोच। okay. मैं इतना डर गया था कि व्हाट इज नेक्स्ट, इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर मी, और कहने लगे या क्या गंदी फिल्म बनाई है वो, बहुत लोगों ने बड़े कमेंट किया था उस फिल्म के बारे में। बिंदु का जो करेक्टर था, निम्फोमेनिया करेक्टर था, right. तो बहुत कमेंट किए थे, ये था, तो कई लोगों ने कहा ऐसे हवा उड़ा दी थी कि तो इसके साथ कोई काम नहीं करेगा या नहीं करेगा, तो मैंने एक अलग कहानी सोची। और क्या के मैंने सबसे पहले वो राजेंद्र जी को सुनाया, राजेंद्र जी मेरे पड़ोसी थे, मैं पालील पर रहता था, दोस्ती हो गई थी मेरी, तो मैंने कहा भाई साहब मेरी कहानी सुनो यार, इस पिक्चर करते हैं। वो भी 5 साल से घर बैठे थे, सुपरस्टार, कोई फिल्म नहीं थी उस वक्त उनके, तो बोले सुना मेरे को। मैंने सुनाया तो रो पड़े, कहानी सुन आंसू आ गए उनकी आंखों में। अरे मैंने कहा, बोले नहीं डेफिनेटली। तो उसके बाद मैंने कहा फिर आपके अपोजिट किसको लेंगे? तो बोले यार पता नहीं वो करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि हम जब स्टार थे साथ में काम नहीं किया। अच्छा, दैट वाज नूतन। जी जी जी, ओके। तो मैंने कहा डोंट वरी, आई विल गो टू हर, मैं कॉन्फिडेंस बहुत होता था मेरे। तो मैं चला गया नूतन जी के पास। सो हवस जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद आपने दो ऐसे स्टार्स को साइन किया जो इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो नॉट इन देयर प्राइम, आई थिंक बोथ हैड क्रॉस्ड 40। हां या ऑफ कोर्स।
What was the conviction? See, basic, वो करेक्टर दोनों उसमें एकदम लगा कि ये होंगे तो फिल्म बनेगी. अच्छा. क्योंकि राजेंद्र कुमार एक सिंपैथेटिक हीरो था. बहुत सी पिक्चरों में वो रोते थे तो लोग साथ में रोते थे. राइट राइट. इमोशनल बहुत था. तो फिर नूतन जी से ज्यादा मुझे कोई इमोशनल एक्टर नहीं लगती थी. तो दोनों का मैंने पेयर बनाया. अब मुझे डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलते हैं कि बिकेगी किधर, देखेगा कौन. मैंने कहा वो बात की बात है. पद्मिनी कोल्हापुरी छोटी सी बच्ची थी. राइट. तो उनसे पहचान थी उनके फैमिली से मेरे. मैंने कहा चल पंडित को मैं काम देता हूँ इसमें. सर क्या बात. वो 50 हफ्ते चली वो फिल्म. क्या बात है सर. वेरी बिग हिट. गोल्डन जुबली. ओह सर क्या फीलिंग थी उस वक्त. कुछ तो बताइए. गो बैक टू दोस डेज. व्हाट हैपेंस व्हेन आई मेक ए मूवी. जो भी मैंने कन्विक्शन के साथ बनाई है वो हमेशा सुपरहिट हुई. जो सुन के बना ली कि नहीं यार आज का जमाना बदल गया यार, ऐसा कर दो और वैसा कर दो, वो चली नहीं. फिर मैं बंद ही कर दिया था फिल्म बनाना. राइट. तक नहीं बनाई. सर ये बात है मुझे आप. अभी मैंने बात कही राजेंद्र कुमार जी की, नूतन जी की, जो अपने प्राइम में नहीं थे, एक एज लिमिट क्रॉस कर चुके थे, बट कन्विक्शन था आपका एज अ फिल्म मेकर की यही राइट चॉइस. इसके बाद आप अगेन एक ऐसे एक्टर की तरफ बढ़ते हैं जो अगेन इस पैरामीटर पे कहीं ना कहीं खरे उतर रहे थे, बट आपने कहा नहीं इस फिल्म के लिए अगर कोई रहेंगे सही तो राजेश खन्ना. एंड देन यू मेड अ फिल्म कॉल्ड सौता. फिल्म हिट और वो गाना तो खैर उसके बारे में क्या बात करनी. मैं रहता था पालील पे, वो नीचे रहते थे उधर कार्टर रोड पर. राइट. तो मेरी जान पहचान तो थी उनसे. तो मैंने लैंडलाइन होती थी पहले. मैंने कहा जी चाय पिलाएंगे तो आता हूँ घर. आयशा भाई अरे आ जाओ आज मेरी शूटिंग नहीं है. ठीक है. मैं गया, बिठाया मेरे को पहले उनका बाहर दरवाजे का अंदर. घर में घुसते ही छोटा सा ऑफिस था तो वहाँ बैठे थे. खास बात है कोई? मैंने कहा बहुत खास बात है, मेरे लिए तो है, आपके लिए शायद ना हो. तो बोले क्या है? मैंने कहा एक फिल्म बनाना चाहता हूँ आपके साथ. 10 साल से उनके पास कोई पिक्चर हिट नहीं आई थी. सही बात. नॉट ए सिंगल फिल्म. 10 साल तक हिट नहीं थी. बोले यार तू मेरे साथ फिल्म बनाते हो, चलती नहीं मेरी फिल्में. राजेश खन्ना ने बोला. हाँ बोला मुझे. तो मेरी काफी दोस्ती थी. बोले चलने वाली नहीं है, तुम खाम खाम अपना कुछ करो और सोचो किसी और को ले लो, फलाने एक्टर को ले लो. उन्होंने सजेस्ट भी किया ना. मैंने कहा नहीं मुझे आपके साथ बनानी. ठीक है आप करेंगे ना काम. पर क्या है क्या बनाना चाहते हो जितना कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंट अबाउट इट. तो मैंने उनको कहानी सुनाई. ठीक है. तो देवर टीयर्स इन हिज आईज. ओह तेरी. वो गले लगा लिया मुझे. लेट्स गो एट. ओह फिर फौरन उन्होंने खुद ही टीना को फोन किया. दूसरे एक्टर्स को फोन किया. सारा सेटअप बन गया. और मैंने कहा यार काका जी मैंने सोचा है मॉरिशस में बनाते. आई थिंक उससे पहले मॉरिशियस में जाके मॉरिशियस हिट कर दिया सर. वो गाने ने मॉरिशियस का टूरिज्म बढ़ा दिया. आपको रॉयल्टी लेनी चाहिए वहां से. वो सब है. तो चाचा राम गुलाम प्राइम मिनिस्टर थे. मैं उनसे मिला. मैंने ऐसे ऐसे फिल्म बना रहे. बहुत मेरी रिस्पेक्ट किया. बहुत सब फैसिलिटीज दी जी. और वहाँ वो फिल्म बनी. बहुत बहुत मजा आया वहाँ फिल्म बनने. वो सैंड, वो वाटर, वो सी, वो स्काई, वो क्लाउड देखने को नहीं मिले उसके बाद. सही बात है. क्या बात है. क्या बात. बट टेल मी जब ये गाना बन रहा था, या तो गाना बनते वक्त या गाना फिल्म आते वक्त, शायद मेरी शादी का ख्याल, उस वक्त क्या ये कहीं भी दिल में आ रहा था कि ये इतना बड़ा हिट हो जाएगा? सर मेरी उषा जी से शादी हुई थी उसी वक्त. हाल ही में. उससे पहले हो गई थी. उससे पहले हो गई थी. पहले हो गई थी हवस के बाद. और 4-5 साल के बीच में हमारा फिर जी तलाक हो गया. मैंने कहा उषा जी म्यूजिक में आपका ही लूंगा. Okay. बोले तलाक के बाद कोई शक्ल नहीं देखता है, आप क्या लेंगे मेरा म्यूजिक. गुस्सा था नेचुरल. ऑब्वियसली यस. तो फिर मैंने कहा नहीं मैं लूंगा. जब ये पिक्चर प्लान किया तो मैंने उषा जी को फोन किया. मैंने कहा आप फ्री हैं तो आ जाइए घर. एक पिक्चर शुरू कर रहा हूँ मैं सौतन. तो आ गई अपने असिस्टेंट्स वगैरह को लेके. सब बैठी थोड़ी देर. अच्छा मैं चलती हूँ. चलती हूँ. अच्छा. मैंने क्यों? बोले आपने क्या गाना लिखा? शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया. ये कोई बकवास. मैंने कहा अभी तक गुस्सा है या जेन्युइनली गाना खराब है? एग्जैक्टली. नहीं नहीं गाना खराब है. चली गई. मेरे दोस्त बैठे थे मेरे साथ, कहने लगे ये क्या हुआ? क्या हो गया यार. उस वक्त स्टार थी वो भी. तो जाके थोड़ी देर बाद आधा घंटे बाद उनका फोन आया. धुन तैयार है. तो बोले हाँ. बोले जरा सुनो. अच्छा. मैंने क्या? बोले सुनिए तो सही. तो गा के बताया. मैंने कहा जबरदस्त.
तो मैंने आती हूँ वापस, फिर आई और फिर ये गाना रिकॉर्ड किया। आप मिले कहाँ उषा जी को, पहली बार मुलाकात कब हुई उनसे? पहली बार मैं उनके घर ही गया था। ओके वो एक और पिक्चर थी जिसके लिए जुगल किशोर थे ना प्रोड्यूसर, उनकी फिल्म के लिए गाने लिखने थे। अच्छा, तो कोई राइटर नहीं आया तो मैंने, मेरे को बुलाया मैंने, मैं तो दूसरों के लिखता नहीं हूँ, अब मेरा गाना आपने किया बरखा रानी जरा जम के बरसो ये सब, तो बोले नहीं करो करो इनके लिए करो। तो मैंने उनके भी तीन चार गाने लिख डाले थे। ठीक है, तो उस वक्त मुलाकात हुई थी। तो फिर उसके बाद तो उषा जी को मैंने हवस से तो ले लिया था ना तेरी गलियों से। तो ये सौतन जब बन रहा बना रहे थे तब तलाक हो चुका था मेरा उनसे, तो बहुत खफा थी बताया मैंने। तो कैसे फिर आई वो गाना बनाया, टेलीफोन पे मुझे सुनाया, तो तब तक भी लैंडलाइन नहीं थी, मोबाइल नहीं आया। तो मैंने कहा जी मुझे पसंद है, डन, रिकॉर्डिंग फिक्स किया। उधर किशोर दा ने ऐसा डांस करके ही गाना गाया। अच्छा, जब रिकॉर्डिंग हुई है, रिकॉर्डिंग ओए होए, बहुत मस्त हो गए और लता जी हंस देते थे, दो तीन तो रिटेक हो गए। अच्छा, उसी चक्कर में, क्या बात है। तो बहुत बहुत प्यार से गाया, क्या क्या हिट हुआ, आई कांट इमेजिन दैट सॉन्ग। माय गॉड, पूरे साल बिना का टॉप में बजा था। माय गॉड, अमीन सयानी उस वक्त स्टार थे बहुत बड़े, पूरा बरस फिर हटाना पड़ा उनको। क्या सर, जब हम आपकी कास्टिंग के बारे में अगर बात करें, अभी अभी हमने हवस के बारे में बात करी, हमने रेखा जी के स्पेशल अपीयरेंस के बारे में बात करी, हमने राजेंद्र कुमार नूतन जी के बारे में बात करी, हम 90s में आ जाएं तो सलमान खान को आपने कास्ट किया है, अनिल कपूर को, सर कास्टिंग की टेक्निक क्या है? बिकॉज आप राइटर भी हैं, आप प्रोड्यूसर भी हैं, आप डायरेक्टर भी हैं, आप लिरिसिस्ट भी हैं, व्हेन यू आर कास्टिंग, जहन में क्या रहता है आपके? मैं फिल्में देखने का मुझे बड़ा शौक था, तो जैसे इनकी कोई फिल्म रिलीज होती थी तो मैं देखता था। ठीक है, तो मैं कहानी जब सोचता था तो फिर मैं सोचता था ये भी फिट होता है, ये भी फिट होता है, जो मिल जाए उसको ले लो। ठीक है, ओके। तो लैला में मैंने अनिल कपूर को चांस दे दिया, तो वो भी ठीक ठीक चली थी फिल्म, इट वॉज नॉट ए बिग हिट। फिर मैंने सलमान को लिया जी, वो पिक्चर बहुत बड़ी हिट हो गई, सनम बेवफा। यस, एंड इनफैक्ट सनम बेवफा का जो सब्जेक्ट था वो भी इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है और मुस्लिम सब्जेक्ट था। तो क्योंकि हम आपकी सब फिल्मों की बातें कर रहे हैं और जैसे जैसे हम ये सब बातें करते जा रहे हैं, मुझे एक कॉमन थ्रेड नजर आ रहा है सब फिल्मों के अंदर कि विमेन ओरिएंटेड फिल्में, आपकी फिल्मों में जो औरतों के किरदार रहे हैं, फिल्मों के नाम में जो एक फीमेल ओरिएंटेशन रहा है, ये कहीं ना कहीं कॉमन है, कहीं जानबूझ के या नहीं? जानबूझ के नहीं, तजुर्बे की बात है जी, क्योंकि मुझे आदमियों से ज्यादा औरतों ने इम्प्रेस किया बहुत लाइफ में। ओके, जैसे देखिए पहले जो महबूब साहब ने एक फिल्म बनाई थी मदर इंडिया, अगर उसमें दिलीप कुमार होता तो वो फिल्म चलती नहीं। क्या बात कह दिया सर आपने, बड़ी बात कह दी, क्या बात, बस क्या बात। सो समटाइम्स वुमेन इज ग्रेट एंड शी इज प्रूव्ड दैट। और उसके बाद जो उन्होंने कोई फिल्म नहीं की भाभी जी, नरगिस जी ने, तो दैट वाज आल्सो ए ग्रेट थिंग। वाओ, कह लें इससे बड़ी फिल्म आ नहीं सकती अब लाइफ। क्या बात है, मेरा अगला सेगमेंट बिल्कुल है तैयार, जिसका नाम है थोड़ा और फिल्मी हो जाएं। तो देखिए ये सेगमेंट जो है सर, ये हमारा आखिरी सेगमेंट है, जब हमने जितने भी गेम्स खेले उनमें से, इसमें मेरे पास कुछ गाने हैं लेकिन गानों को मैंने शब्दों को उल्टा पुल्टा कर दिया, कुछ हेर फेर कर दिया उसमें। अब आप बताइए कि गाने हैं तो हैं कौन से। ठीक है सर, रेडी? जी, ओके। तो पहला गाना है आवाज सुनो मेरी, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। जम रानी बरसों की जरा बरखा बरखा रानी जरा जम के बरसो, जम के बरसो। रखेंगे तेरी मैं कदम गलियों ना, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। अरे सर क्या बात है। और अगला तो सर बड़ा ही फेवरेट है वो, शाम के साए में तुम्हारी जुल्फ, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लो। हाय 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 सर, जब मदन जी ने आपको पहली बार ये धुन सुनाई होगी। सर मैं बच्चा था, किड, आई मीन ट्राइंग टू कम अप। कमाल। हाँ, तो कैफे साहब ने मेरे को बहुत एनकरेज करे थे, बेटा डरो नहीं, हम लोग हैं ना सब साथ में, सब ठीक हो जाएगा। वाओ, ओके। खुशबू है मधुबन सावन देता, सागर है देता, मधुबन खुशबू देता है। हाय हाय सर, इस फिल्म के बारे में कुछ बातें हो जाए सर, और इस गाने के अंदर तो सूरज ना बन पाए तो, सूरज ना बन पाए तो दीपक बन के जलता चल, उफ, फूल मिले या अंगारे, सच की राह पे चलता, उफ, माय गॉड। ओके, अगला गाना है प्यार है का जिंदगी गीत, जिंदगी प्यार का गीत है। क्या बात, हरे वाली
सीटी दुपट्टे साड़ी सर वो हरे दुपट्टे वाली है। लहरों में कश्ती की मस्ती की प्यार में प्यार की कश्ती में प्यार की कश्ती में लहरों की मस्ती में। सर एक बात बताइए, अब ये जो गाने की हमने बात करी है, ये गाना जिस फिल्म से है, नया लड़का लॉन्च हो रहा है, प्रोडक्शन हाउस अलग है, और आप उस फिल्म में गाना लिखते हैं जो कि एक्चुअली आपकी फिल्म नहीं है। मैं एक्चुअली गाने लिखता नहीं हूँ, राकेश जी मेरे अच्छे दोस्तों में से हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, और जब उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को लॉन्च कर रहा हूँ जी, तो हाउ कैन आई से नो, एंड ही इज गिविंग मी द ऑनर कि भाई मैं बेटे के लिए पहले फिल्म के गाने लिखूँ। तो एक तो मेरा गाना था पहले का लिखा हुआ, बोले ये तो मेरा हो गया। उसके बाद और दो गाने लिखे थे, पहला था गाना वो चांद सितारे फूलर दैट सॉन्ग, ये पहले का लिखा हुआ था उन्होंने ले गया, और ये जो गाना है ये आपने, ये बाद में लिखा मैंने उनके लिए, प्यार की कश्ती में लहरों की मस्ती में चले गगन से दूर दूर। तो ताजा ताजा कली खिली है और हम उसके दीवाने हैं, और इसी दीवानेपन में हम अपना ये वाला सेगमेंट जो है वो खत्म करते हैं। बट टेल मी समथिंग, अगर मैं आपसे पूछूं आज क्या माइंडसेट है, क्योंकि क्रिएटिव आदमी कभी ये जो है ना कभी शांत नहीं बैठता, कहानियां आती रहती हैं, मन जो है वो छाल मारता है। I keep writing. I got so many scripts written now. Okay. And मैंने एक हॉलीवुड के लिए भी लिखा था स्क्रिप्ट। Okay. Unfortunately, it didn't work out there in the sense कि that was in 2006. Okay. जब वो सोनी पिक्चर्स के लिए लिख कर रहा था मैं, तो वो सब्जेक्ट अप्रूव हुआ, सब कुछ अप्रूव हुआ, उसका प्लानिंग कर रहे थे शूट करने का, वो लोग मेरे साथ एक बार इंडिया भी आए थे, लोकेशन देख के गए थे। तो जैसे ही वो पिक्चर शुरू करने का टाइम आया हमारा रिसेशन आ गया। That's where the whole project was dropped. Okay. Then I came back here. तो वो एक कहानी थी आई एम यू। आई एम यू। अच्छा, ओके। It's a very beautiful script. कभी बनेगा तो इंशाल्लाह। वाह। What about हमारा भारतीय सिनेमा, इंडियन सिनेमा? हिंदी इंडियन फिल्म है। अच्छा अच्छा। It's a बेस्ड ऑन रीइंकार्नेशन, बट जिस तरह की आपकी रीइंकार्नेशन की फिल्में बनी हैं, right. वो मेरा जो रीइंकार्नेशन होता है शक्ल अलग, okay. नहीं तो यहाँ एक ही के डबल रोल में कर लेते हैं काम, right. ऐसे हैं जितने भी रीइंकार्नेशन फिल्में बनी, हम कहो ना प्यारे बात करते हैं, इसमें एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट और क्रिएटिव काम है बहुत जबरदस्त। ओके, सुपर। तो आजकल की जो फिल्में बन रही है, आजकल के जो फिल्म मेकर्स हैं, कौन है जो आपको इम्प्रेस करते हैं, लगता है कि ये? मैं खुद भी नहीं, क्योंकि सब कुछ चेंज हो गया अभी। See, the point is that there is no subject, right? And there is no music. पहले जब निकलते थे ना थिएटर से, तो गाना गाते गाते घर जाते थे, जिनको गाना नहीं आता था वो भी गाना गाता वो घर जाता था, क्योंकि इतने सिंपल गाने होते थे। शंकर जय किशन का ले लीजिए संगीत, आप नय्यर साहब का ले लीजिए और बर्मनदा का ले लीजिए, बहुत गाने सिंपल होते थे, right. ताकि आप गा सके। जिस गाने को आप गा नहीं सके, क्लासिकल गाना हो तो वो आपको उसमें कुछ ना मजा आएगा, ना सुन कानों को शायद अच्छा लगता है, right. तो पहले ऐसे बनाते थे, आजकल तो कुछ अजीब ही हो गया, रिदम तबला ढोलक सब ऊपर है, आवाज नीचे है। और पहले हमेशा जो वॉइस हमेशा ऊपर रहती थी म्यूजिक, म्यूजिक इज तो सपोज टू सपोर्ट द वॉइस, यहाँ तो वॉइस सपोर्ट कर रही म्यूजिक को, अजीब रिकॉर्डिंग सिस्टम हो गया, ये हो गया, अजीब हो गया। क्या बात है, हमें आज यहाँ पे जो आपसे बातचीत करके मजा आया है, द जर्नी ऑफ दैट बॉय जो जयपुर से निकला, घर से भाग के निकला, मुंबई नगर ही आया, तीन चार साल स्ट्रगल किया, कुछ कॉन्टैक्ट बने, कहानी लिखी, और उसके बाद एक के बाद एक फिल्म में, आई थिंक आई वुड से यू आर अ वेरी डेयरिंग मैन सर। जिस तरह से आपने कहा मेरी शक्ल पे मासूमियत है, लेकिन यहाँ से आप बहुत डेयरिंग है, बिकॉज योर सब्जेक्ट ब्रदर, आई हैव नो चॉइस, आई हैव टू बी डेयरिंग, ये हुई ना बात, देन यू हैव नो चॉइस बट टू बी डेयरिंग, and that's the reason we love you and we love the films you have made. Thank you so much. Hum Shimaru ki taraf se ye chota sa ek memento hai aapko jo hum denge for your great contribution in Indian cinema.